बजट में प्रस्तावित डिफेंस कॉरिडोर को लेकर यूपी से बड़ी खबर आ रही है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर का काम शुरू हो गया है। सैन्य अधिकारी इसके लिए क्षेत्र का दौरा कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। इस कॉरिडोर पर 20,000 करोड़ का निवेश होगा और करीब 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। आपको बता दें कि डिफेंस कॉरिडोर एक रूट होता है जिसमें कई शहर शामिल होते हैं। उत्तर प्रदेश में ये कॉरिडोर आगरा, अलीगढ़, कानपुर, झांसी और चित्रकूट में बनेगा। इन शहरों में सेना के काम में आने वाले सामानों के निर्माण के लिए इंडस्ट्री विकसित की जाएगी। इस कॉरिडोर में वो सभी औद्योगिक संस्थान भी भाग लेंगे जो सेना के सामान बनाते हैं। कॉरिडोर बनने के बाद बुंदेलखंड में हथियारों से लेकर सेना की वर्दी तक का निर्माण किया जाएगा।